सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप लोग रियलमी का 12X 5G फोन यूज करो, फाइनली अगर आप लोग अपने फोन को पावर ऑफ करने जाते हो, पावर ऑफ करने के बाद यहां पर आपके फोन में कुछ गूगल असिस्टेंट प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर रियलमी का फोन है, अब मैंने पावर बटन पर यहाँ पर लॉक करने का क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे फोन में ये एक गूगल असिस्टेंट देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ रहा होगा Realme के 12X 5G फोन में, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स करोगे मैं इस वीडियो में आप लोग को 100% बताने वाला हूँ, जो कि 100 आप लोग अपने फोन में इसे फिक्स कर पाओगे एंड अपने फोन में पावर बटन को वापस ला सकते हो। फाइनली दोस्तों, जब भी आप लोग यहाँ पर पावर बटन पर क्लिक करते हो, आपके पास गूगल असिस्टेंट का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। इस प्रॉब्लम को आप लोग फिक्स कर पाओगे 101%। तो फाइनली दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोग को इसी के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग रियलमी का 12X 5G फोन यूज करो, सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। फाइनली जैसे ही अपने फोन में पावर ऑफ करने जाते हो, पावर ऑफ करने के बाद यहां पर आपके फोन में गूगल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि दोस्तों यहां पर मैंने पावर ऑफ करने जा रहा हूं, तो यहां पर हमारे फोन में गूगल असिस्टेंट इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम हम कैसे हटा सकते हैं, जो कि यहां पर इसके जहां पर हम पावर बटन को कैसे ला सकते हैं, ताकि हम पावर बटन पर क्लिक करें और लॉन्ग प्रेस करें, यहां पर हमारे पास स्विच ऑफ करने का बटन आए, तो यहां पर आप लोग इसे फिक्स कर सकते हो। फिक्स करने का एक ही तरीका है, फाइनली आपको आना अपने फोन के सेटिंग के अंदर एंड सेटिंग के अंदर आने के बाद यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके फोन में ऑप्शन मिल जाता है एड, जो कि एडिशनल सेटिंग, एड एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको नीचे मिल जाता है पावर बटन एंड पावर बटन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे क्लिक करते हो, आपके फोन में इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। यहां पर लिखा गया है पास एंड होल्ड द पावर बटन, जो कि आपके पावर बटन को होल्ड करके रखा गया था एंड गूगल असिस्टेंट को यहां पर ऐड किया गया था। तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाता है पावर मेन्यू एंड यहां पर आपको वॉइस गूगल असिस्टेंट एंड गूगल असिस्टेंट वाले ऑप्शन पे आपका क्लिक है, तभी जाकर आपके फोन में गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आ रहा है आपके फोन में बार बार, जब भी अपने पावर बटन पर क्लिक करो तब भी आपके फोन में ये आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, पावर बटन मेन्यू पे, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है पावर बटन। दोस्तों यहां पर पावर बटन का ऑप्शन आ जाता है। ये पावर बटन का ऑप्शन लाने के लिए फाइनली आपको सिर्फ 2 मिनट का काम है एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फोन प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे, जो कि आप अपने फोन को पावर ऑफ भी कर पाओगे। अब ये ट्रिक्स आप लोग को ट्राई कर लेना है एंड सिर्फ अगर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रखे हो एंड जब भी आपने परचेस करते हो अपने फोन को, तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड फिक्स करने के लिए फाइनली आप लोग यहां पर इस तरीके से फिक्स कर पाओगे, जो कि यहां पर आपको गूगल असिस्टेंट इस तरीके मिल जाता है। तो आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, जब भी अपने पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अगर भी आपने मेन्यू पावर मेन्यू पे क्लिक कर रखे हो एंड इस तरीके से आप लोग को पावर ऑफ बटन पे क्लिक करते हो, यहां पर आपको पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे अपने रियलमी के 12X 5G फोन में, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताता है, जो कि जब अपने फोन को परचेस करते हो आप लोग न्यू, तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बाद में आप इसे फिक्स कर पाओगे, जो कि यहां पर आप लोग को फिक्स करने का तरीका मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया। तो जाकर आप लोग अपने फोन में ट्राई कर सकते हो एंड इस प्रॉब्लम को आप लोग फिक्स कर सकते हो। स्विच ऑफ कैसे करना है एंड स्विच ऑफ बटन को कैसे लाना है मैंने इस वीडियो में आप लोग को डिटेल के साथ बता दिया। फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।